So hello everyone, welcome to your Physicam Academy. I am your educator Tanmoy Das, All India Rank 336 in GEST and also qualified in ITJAM and GATE exam. तो फिजिकम अकेडमी अब आपके लिए लाया है एक नया लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारा इम्पॉर्टेंट जो फिजिक्स का पेपर होता है तुम्हारा, जो सेवन पेपर होता है जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, EMT, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे जो पेपर होता है इनके ऊपर हम लाए हैं आपके लिए शॉर्ट नोट सीरीज, ठीक है, जिसमें हम सातों पेपर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं उनको एक साथ लाए हैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होता है ये आपके एग्जाम के पहले बहुत ही इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका सारा जो सिलेबस हो रहता है वो इससे रिवाइज हो जाता है। तो जो जो स्टूडेंट IIT जैम, जेस्ट, गेट, टीफर, क्विट, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ओके। तो वेव्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर हम हमारा शॉर्ट नोट्स का सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो सभी को पता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0, ठीक है, जो इक्वल होता है 3×10⁸ m/s, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये अगर कोई मीडियम में आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो तब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम वी मीडियम लिखते हैं, जो इक्वल होगा C/ईटा, जहां पर ईटा क्या है, ईटा है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक प्लेन वेव का इक्वेशन कैसा होता है, प्लेन वेव, तो इसका इक्वेशन इस फॉर्म में आता है E=(E₀sin⁡ωt−kx+δ). यहां पर ई नॉट है इसका एम्पलीट्यूड एंड डेल है इसका फेज, ओके। नेक्स्ट है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं के से। के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो एक वेव जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट नेचर का होगा, ये कैसे हम पता करेंगे, तो अगर E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाए या फिर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाए तो तब हम उससे पता चलेगा कि ये जो वेव है ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में जो है हमारा सुपर पोजिशन, ठीक है। तो सुपर पोजिशन बेसिकली क्या होता है, दो वेव जो होता है एक साथ एक पोजिशन पे सुपरपोज्ड होता है एंड एक उनका नॉर्मल वेव निकलता है। तो यहाँ पर दो वेव हम ले लेते हैं, Y₁ = A₁sin⁡ωt−kx, और दूसरा वेव हम ले लेते हैं Y₂ = A₂sin⁡ωt−kx+δ, ठीक है। तो ये हमारा दोनों वेव हो गया जहां पर A₁ और A₂ है इनका एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पर डेल है इनका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो सुपरपोज्ड करके जो हमारा नेचर वेव बनेगा वो क्या होगा, Y=Y₁+Y₂, इसको हम लिखते हैं A sin ωt−kx+εr, ओके। तो यहां पर A क्या होगा, A यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, A हो जाएगा हमारा A₁² प्लस
a2 square plus 2a1 a2 cos del होल टू दी पावर हाफ, ठीक है, यानी कि पूरा का रूट, ठीक है। नेक्स्ट है फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का फेज हम किससे डिनोट कर रहे थे, एप्सिलॉन, तो वो क्या हो जाएगा, टेन एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा ए टू साइन डेल डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस डेल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड तो देख लिया है, इंटेंसिटी देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या हो, इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन डॉट आई टू का रूट ओवर, ठीक है, आई टू का रूट ओवर कॉस डेल, ठीक है। तो ये हो गया इनका जनरल इंटेंसिटी। लेकिन अगर तुम्हें पूछे आई मैक्स क्या होगा, ये बहुत ही बार पूछते हैं एग्जाम में, आई मैक्स हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आई मिनिमम क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम, सिमिलरली रूट ओवर आई वन माइनस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां पर हमने सुपरपोजिशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें जनरल कुछ फॉर्मूले होता है, जो है पोजीशन ऑफ, एक काम करते हैं इसमें हम पहले जनरल कुछ फॉर्मूलेस लिख लेते हैं, वेट अ सेकंड। ठीक है, तो इसमें जनरल पाथ डिफरेंस जो हम डेल्टा से इक्वल करते हैं, जो होता है हमारा एन लैम्डा, ओके। और इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल इक्वल टू हमारा प्लस वन होगा, ठीक है। तो डेल का वैल्यू क्या होगा, डेल का वैल्यू होगा टू एन पाई, जहां पर एन इक्वल टू है हमारा जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। एंगुलर पोजीशन क्या होगा इसका, एंगुलर पोजीशन थीटा एन इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा बाय टी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, इनमें दो कंडीशन होता है, एक होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज और एक होता है डार्क फ्रिंज, तो हम दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साइड लिख लेते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, ओके, और इस साइड लिख लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, ओके। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं वो हो जाता है एन लैम्डा, ठीक है। लेकिन फॉर डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस हो जाता है डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2,
Okay. Next, phase difference for bright fringe. Phase difference. तो ये हो डेल्टा से डेल से डिनोट करते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. ठीक है. और इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस जो डेल इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 पाई. ठीक है, जहां पर एन हमारा क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, पोजीशन जो हम वाई एन से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू होगा एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ठीक है, इसमें फॉर डार्क फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y n इक्वल टू 2n+1 लैम्डा d/2d. ओके, इसमें एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन जिसको हम थीटा n से डिनोट करते हैं वो इसका हो जाएगा n लैम्डा स्मॉल d. लेकिन इसके लिए एंगुलर पोजीशन थीटा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n+1 लैम्डा/2d. ठीक है, तो देख सकते हो दोनों साइड में हम फॉर ब्राइट फिंच एंड डार्क फिंच के लिए लिख चुके हैं, तो जिससे तुम्हें याद रखने में आसानी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्ट इन फ्रिंज ड्यू टू ग्लास स्लिट. ठीक है, तो ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है इसमें काफी बार वो पूछ लेते हैं कि अगर इनके पाथ के बीच में एक ग्लास स्लिट रख दे तो क्या होगा. ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो एक्स्ट्रा पाथ क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ तो डेल एक्स्ट्रा जो इक्वल टू हो जाएगा टी म्यू माइनस वन. ठीक है, यहां पर क्या है टी, टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ ग्लास और म्यू इक्वल टू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ओके, नेक्स्ट यहां पर पाथ डिफरेंस न्यू क्या हो जाएगा, पहले तो डी साइन थीटा था अब माइनस डी म्यू माइनस. ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कब मिलेगा, फॉर मैक्सिमा जब डेल इक्वल टू एन लैम्डा होगा. ओके, इसमें पोजीशन पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, वो क्या होगा वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस वन टी सॉरी कैपिटल डी होगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ठीक है, ये आ जाएगा. नेक्स्ट और एक फॉर्मूला पूछते हैं, हमारा फिफ्थ फॉर्मूला जो है शिफ्ट
ऑफ फ्रिंज, ठीक है, स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रिंज, वो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो हम बीटा से डिनोट करते हैं वो होगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए भी सेम ही होगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भी तुम लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल, ओके। तो थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, ओके, वेट अ सेकेंड। तो थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट डी इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा म्यू माइनस वन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और डार्क के लिए क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा टू म्यू माइनस वन फॉर डार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर हमारा कोई ग्लास प्लेट आ जाए बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं जो है हमारा न्यूटन्स रिंग, ठीक है। न्यूटन रिंग्स से अलावा और कुछ फॉर्मूलेस होता है वो, जैसे लेलॉर्ड मिनर्स होता है, फ्रेसनल बाइप्रिज्म होता है। तो फ्रेसनल बाइप्रिज्म का कुछ फॉर्मूला तुम्हें लिखवा देता हूं, ठीक है। फ्रेसनल्स बाइप्रिज्म, तो इसमें क्या क्या पूछते हैं, तो इसमें एंथ बाइप, एंथ ब्राइट फ्रिंज पोजीशन पूछते हैं बोलो, ठीक है। तो क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला जो यंग डबल स्लिट में था, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। अगर ये डार्क फ्रिंज के लिए होता, डार्क फ्रिंज, तो तब क्या होता, वाई एन इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा डी डिवाइडेड बाय टू डी, ओके। वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एंट, ये तो हमने कर लिया, फ्रिंज विड्थ, ओके। फ्रिंज विथ, इसमें क्या होता है, फ्रिंज विथ जो हम बेसिकली बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देख पा रहे हो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला सभी जगह सेम ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका, इफ वन सरफेस इज फिल्म कवर्ड विथ थिन फिल्म शीट, तो तब क्या होगा, हमारा डेल्टा वाई हो जाएगा म्यू माइनस वन डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू म्यू माइनस वन अल्फा, ओके। और स्लिट बिटवीन डिस्टेंस
split between distance, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2a μ-1 α। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेस है इनका डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आप कैसे फॉर्मूला लिखवा रहे हो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये जो फॉर्मूले है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट एक पोर्शन जो है न्यूटन्स रिंग। ये न्यूटन्स रिंग से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, न्यूटन्स रिंग। ओके, तो न्यूटन्स रिंग में फॉर्मूले क्या क्या आता है बेसिकली। पहले तो आता है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है न्यूटन्स रिंग में, डेल इक्वल टू 2 μ। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल इंसिडेंट के लिए, नॉर्मल इंसिडेंट। ओके, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए ये डेल कितना होता है, डेल इक्वल टू होता है 2 μ t। ठीक है, यानी कि जो इक्वल होगा 2n+1 λ/2। ठीक है, फॉर मिनिमा, तो ये याद रखना काफी सारे बच्चों का, ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है ये कॉन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए आ जाएगा 2n+1 λ/2 और मिनिमा के लिए आ जाएगा n λ। ठीक है, तो इसमें टी एन क्या आएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला एम आ जाएगा Rm² / 2। Tm क्या है, अगर तुम्हारा ये रहा जो कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर जो फ्रिंज है इसका लेंस से जो डिस्टेंस है ये है Tm। ठीक है, ये जो हाइट है, ठीक है, ये फ्रिंज से लेंस का। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ डार्क रिंग, रेडियस ऑफ डार्क रिंग। ठीक है, तो वो हम डिनोट करते हैं Rn से, Rn² इक्वल टू हो जाता है n λ R/μ। ठीक है, ये फॉर डार्क। ओके, फॉर एयर, ठीक है, तो यार में Rn इक्वल टू क्या हो जाता है n λ R। म्यू क्या है, जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो यार का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, इसीलिए फॉर यार के लिए म्यू निकल जा रहा है। ठीक है, अगर ब्राइट के लिए पूछे रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, तो तब क्या होगा Rn² इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λ R/μ। ठीक है, फॉर एयर के लिए म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिंग काउंटिंग रूल पे। ओके, एक सेकेंड यहां पर ही लिख लेते हैं। रिंग काउंटिंग रूल, ओके, तो रिंग काउंटिंग रूल क्या होता है, तो डार्क फ्रिंज के लिए एन इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N। ठीक है, तो सेंट्रल यानी कि जो बीच वाला सेंट्रल डार्क रिंग का एन इक्वल टू क्या होगा 0। फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट डार्क रिंग के लिए एन इक्वल टू 1, सेकेंड डार्क रिंग के लिए एन इक्वल टू 2।
है, फॉर ब्राइट फिंच, ब्राइट फिंच, तो उसके लिए एन इक्वल टू होगा कैपिटल एन माइनस वन, यानी कि फर्स्ट ब्राइट फिंच के लिए एन इक्वल टू हो जाएगा 0, सेकेंड के लिए एन इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम इसका काउंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक ले लेते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। ठीक है, एक सिंगल स्लिट के बीच में हमारा डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले बेसिकली पूछा जाता है। रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, ठीक है, तो इसमें y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस जितने n नंबर जो हमारा वेव है। ठीक है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव। ठीक है, टू सक्सेसिव वेव वो क्या होता है, डेल इक्वल टू डेल डेल्टा, जो इक्वल होगा 2π/λ डेल्टा के। ठीक है, इसमें पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू टू ए साइन थीटा, सॉरी ये ए साइन थीटा होगा, नॉट टू ए साइन थीटा, डेल इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट साइन एन डेल बाई टू डिवाइडेड बाई साइन डेल बाई, ओके, यहां पर डेल हमारा क्या होगा 2π/λ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन। ओके, नेक्स्ट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर एन डेल बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल बाई टू। ठीक है, तो अगर हम बीटा इक्वल टू पाई बाई लैम्डा, वेट अ सेकेंड, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा ले ले। ठीक है, यानी कि एन डेल बाई टू कंसिडर कर ले, तो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन
ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो इसमें बीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा, और लीनियर पोजीशन इसका हो जाएगा लीनियर पोजीशन जो हम डिनोट करते हैं वाई एन से, वो हो जाएगा एन लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो यहां पर एफ क्या है, नियरेस्ट टू इक्वल डी। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ओके, तो इसमें बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू 0 होने से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एक मैक्सिमा है, ठीक है। बाकी साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू तुम्हें 0 मिलेगा, ठीक है। एंड टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव का पोजीशन क्या होता है, तो सेकेंडरी वेव के लिए बीटा इक्वल टू होता है 1.43 पाई, 2.46 पाई, 3.49 पाई एंड सो ऑन। तो तुम्हें ये पहला तीन वैल्यू याद में रखना होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या जानते हैं, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू बीटा होता है। तो यहां से हमें साइन थीटा का क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.43 लैम्डा बाई ए, 2.46 लैम्डा बाई ए एंड 3.49 लैम्डा बाई ए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, तो ये किस काम में आता है, एक एग्जाम्पल दिखवा देता हूं तुम्हें। तो अगर पूछ लेते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी फाइंड करो, ठीक है। तो तुम कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट यानी कि बीटा इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें पता है 1.43 पाई, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दो 1.43 पाई, तो आंसर आ जाएगा 0.04719 आई, ठीक है। तो ऐसे करके तुम फर्स्ट सेकेंड इनका इंटेंसिटी निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसको हम डेल क्यू से डिनोट करेंगे, जो इक्वल टू होगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा ए यानी कि 2 लैम्डा बाई ए। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल क्यू डी यानी कि 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा एफ बाई स्मॉल ए, ठीक है। अब हमने क्या किया था अभी तक, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, अब हम आ जाते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो जो फॉर्मूला होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पहले स्लिट में जो हमारा वेव आ रहा है वो मान लो ए साइन ओमेगा टी
माइनस बीटा, और दूसरे में वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस एल। ठीक है, तो ये दोनों वेव जाकर सुपर पोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा ए नॉट, वेट अ सेकेंड, ए नॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाई बीटा डॉट साइन डेल डिवाइडेड बाई साइन डेल बाई टू। ओके, जिसमें बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस डेल इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा। ओके, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या आएगा? फेज डिफरेंस, तो डेल इक्वल टू क्या होता है? के डेल्टा, यानी कि टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। ठीक है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। नेक्स्ट, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, इसको हम और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बीटा कॉस डेल बाई टू। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? यहां पर लिख लेते हैं आई आर, तो वो हो जाएगा फोर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल टू एम पाई एंड ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन वो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए टू लैम्डा बाई ए थ्री लैम्डा बाई ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा या फिर इंटरफेरेंस मिनिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा। ओके, तो जिसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? एक तो होता है डेल बाई टू इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है इसके लिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, एंड तीसरा फॉर्मूला इसके लिए होता है वाई एन इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा डी बाई टू डी। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ
प्राइमरी मैक्सिमा, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ओके, तो इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए डेल बाई टू इक्वल टू होता है एन पाई, ठीक है। दूसरा होता है साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। एंड इसके लिए फ्रेंच विथ वही हमारा सेम फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये तो हो गया पोजीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। अब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका क्या क्या फॉर्मूला आता है एग्जाम में? तो बीटा इक्वल टू इसका होता है टू एम प्लस वन पाई बाई टू, और साइन थीटा नियर टू इक्वल थीटा जो इक्वल टू होता है टू एम प्लस वन लैम्डा बाय टू ए, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू टू एम प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ग्रेटिंग में, ठीक है। तो ग्रेटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट पोर्शन है हमारा ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको हम एन रो से डिनोट करते हैं, जो इक्वल टू होता है एन डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। यानी कि टोटल स्लिट्स डिवाइडेड बाय टोटल विड्थ, ओके। नेक्स्ट ग्रेटिंग एलिमेंट, तो ग्रेटिंग एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए प्लस बी, जहां पर ए क्या है, स्लिट विथ, ओके, एंड बी क्या है, ऑक्यूपेंट, ओके। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डी एंड एन रो, यानी कि ग्रेटिंग कांस्टेंट एंड ग्रेटिंग एलिमेंट में क्या रिलेशन है। तो एन रो इक्वल टू होता है वन बाय डी, ठीक है। तो कैसे होता है, एन बाय ओमेगा, एन रो इक्वल टू, तो ओमेगा इक्वल टू हमें क्या पता है, एन डी, तो यहां से एन वन बाई डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर एन स्लिट या फिर एन वेव डूइंग सुपरपोजिशन, तो तब क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा ए साइन एन डेल बाई टू
डिवाइडेड बाय साइन डेल बाय टू, ठीक है, यहां पर डेल हमारा क्या होगा, टू पाई बाय लैम्डा साइन थीटा इंटू डी, ठीक है। तो इस ए रिजल्टेंट को हम और कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा डॉट साइन एन कैपिटल एन डेल बाय टू डिवाइडेड बाय साइन डेल बाय टू, ठीक है। तो ये था एन वेव के लिए और ये हो गया एन स्लिट के लिए, ओके। तो एम्पलीट्यूड तो हमने देख लिया, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर कैपिटल एन डेल बाय टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डेल बाय टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन स्लिट के लिए एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब फॉर थ्री आइडेंटिकल नैरो स्लिट, तो इसके लिए इंटेंसिटी क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थ्री डेल बाय टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डेल बाय टू। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, आई नॉट फोर कॉस स्क्वायर डेल बाय टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मिनिमा क्या आएगा, जीरो, मैक्सिमा क्या होगा, नाइन आई नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है तुम सबको, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सिंगल स्लिट के लिए, सिंगल स्लिट के लिए I इक्वल टू I नॉट, डबल स्लिट के लिए I इक्वल टू टू इंटू टू I नॉट यानी कि फोर I नॉट, ओके। फ्री स्लिट के लिए I इक्वल टू थ्री डॉट थ्री आई नॉट यानी कि नाइन आई नॉट, ठीक है। तो तुम्हें पता क्या चल रहा है, तो n स्लिट के लिए क्या होगा, n स्लिट के लिए इंटेंसिटी होगा n डॉट n आई नॉट यानी कि n स्क्वायर आई नॉट, ठीक है। तो यहां से हमें इंटेंसिटी मिल गया है। नेक्स्ट ग्रेटिंग पोजीशन कंडीशन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एन डेल बाय टू साइन स्क्वायर डेल बाय टू, ठीक है। इसमें डेल इक्वल टू क्या होगा, टू एन पाई
यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होगा किस कंडीशन के लिए, फॉर मैक्सिमा कंडीशन, ओके। इसके लिए एंगुलर पोजीशन क्या होगा, एंगुलर पोजीशन साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी। इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, लैम्डा बाय डी, टू लैम्डा बाय डी, थ्री लैम्डा बाय डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा इंटेंसिटी मैक्सिमा वो क्या होगा, आई मैक्स इक्वल टू एन स्क्वायर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। व्हेन साइन बीटा बाय बीटा इक्वल टू वन तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आई नॉट, ठीक है। तो ये किस किसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्योर इंटरफेरेंस विथ एन स्लिट्स, ओके। तो हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमा देख लिए हैं, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा। पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एन डेल बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल बाई टू, ओके। तो मैक्सिमा का दो कंडीशन होता है, मैक्सिमा एच टू कंडीशंस, ओके। क्या क्या कंडीशन होता है, आई इक्वल टू जीरो, सॉरी ये मिनिमा, मिनिमा हैज टू कंडीशन, व्हेन आई इक्वल टू जीरो व्हेन साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मिनिमा, ओके। और एक कंडीशन होता है, यहां पर लिख लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो व्हेन साइन एन डेल बाई टू डिवाइडेड बाई साइन डेल बाई टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंटरफेरेंस मिनिमा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है मिनिमम के लिए, तो दोनों कंडीशन देख लिए हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल मिनिमा, प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल मिनिमा। इसके लिए
ए साइन थीटा इक्वल टू होगा एम एम लैम्डा, ओके। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एम लैम्डा बाई ए, यहां पे एन इक्वल टू है 1 2 3 4, नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड शो ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मिनिमा, ओके। तो इसका कंडीशन क्या है, एल इक्वल टू होना होगा 2 पे 2 पी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, यानी कि एन डी साइन थीटा इक्वल टू बी लैम्डा, वेयर बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, बट बी नॉट इक्वल टू एन 2n 3n, ओके। तो सेकेंडरी मिनिमा प्लस मैक्सिमा डिपेंड्स ऑन कैपिटल ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल मिनिमा एंड प्राइम सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन, ओके। तो हमने प्राइमरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा के बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मूले हमारा जो था वो हमने देख लिया है। अब हम देख लेंगे कुछ हमारे ग्रेटिंग से रिलेटेड हमारा जो फॉर्मूले पूछा जाते हैं बाकी एग्जामों में, उनको थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। तो ग्रेटिंग से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें है, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ एंट ऑर्डर मैक्सिमा, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय एन डी कॉस थीटा एन, ठीक है, या फिर 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन कैपिटल एन कॉट थीटा एन, जहां पर डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके। तो ये फॉर्मूला आ जाता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और क्या फॉर्मूले है, डिस्पर्सन पावर ऑफ ग्रेटिंग, ओके। तो यहां से डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं कि बताओ डिस्पर्सन पावर ऑफ ग्रेटिंग कितना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, जो इक्वल है एन डिवाइडेड बाय डी कॉस थीटा पे, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन रो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बिकॉज डी इक्वल टू हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई एन रो होता है हमारा, ओके। नेक्स्ट, ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर, ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, तो लैम्डा जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा जीरो इक्वल टू हो जाता है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, जहां पर स्मॉल एन इक्वल टू क्या है, ऑर्डर, एंड कैपिटल एन इक्वल टू है हमारा टोटल स्लीट, ओके। तो यहां से हम हमारा ग्रेटिंग रिजर्विंग पावर निकाल सकते हैं। और लैम्डा जीरो हमारा क्या होता है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू डिवाइडेड बाई,
ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके तो यहां से कैसा क्वेश्चन आज पूछा जाता है, कौन से फॉर्मूले से? तो लीनियर एल ओ आर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एल इक्वल टू 1.22 लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ठीक है, और एंगुलर एल ओ आर वो कितना होता है? थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके वेट अ सेकेंड, तो नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला जो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ओके तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय एल ओ आर, यानी कि डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ओके और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके तो वो कितना होता है? इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 एन ए। ओके तो एन ए क्या होता है इसमें? एन ए होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके बाकी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं डी लैम्डा, ये सब इनका रिप्रेजेंटेशन ही है। ओके नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका फॉर्मूला क्या है? एन नॉट इक्वल टू एन कैप ए साइन अल्फा। ओके तो एन ए क्या हो गया? एन नॉट साइन अल्फा फॉर ईयर एन नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और साइन अल्फा क्या है? साइन अल्फा है हमारा डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहां से कैपिटल डी क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल डी 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 एन नॉट साइन अल्फा। ओके यहां पर डी क्या है? अगर ये तुम्हारा माइक्रोस्कोप लेंस हो गया तो इसका डायमीटर हो गया डी। ओके एंड ये जो इसका एंगल है ये हो गया तुम्हारा अल्फा। ओके और ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ओके और यहां पर हमारा जो मेटेरियल है जिसको हम देखते हैं वो, ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप है हमारा। सो नेक्स्ट है हमारा
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो कितने रेजोल्यूशन तक हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला पूछते हैं कभी कभी वो, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP, यानी कि डी इक्वल टू 1/1.22 λ/3 एन ए, ओके, यहां पर एन ए क्या है हमारा, एन नॉट साइन अल्फा, ओके। नेक्स्ट है, इसका मतलब है रिजॉल्विंग पावर, ओके। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, ओके, तो प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर कितना है, तो लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय डेल लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, डी डी एन डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, ओके। इसको अगर एक्सपेंड करें क्या होंगे, एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ठीक है। यहां पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, ओके, वेट अ सेकेंड, अभी सर टॉयलेट ही अभी देखो, सो और डी एन सॉरी डी स्मॉल एन था, डी स्मॉल एन बाई डी लैम्डा क्या है, चेंज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ चेंज इन लैम्डा, ओके, तो डी क्या है यहां पर, डी इक्वल टू है हमारा 2a म्यू माइनस 1 अल्फा एंड फ्रिंज विथ सेकेंड, सो फ्रिंज विथ क्या होगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल, जो हमारा पहले से ही जो फॉर्मूले थे फ्रिंज विथ का वही, ओके। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स ऑफ फॉर्मूलेस है रिगार्डिंग हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक्स ऑफ फॉर्मूले लिख लेते हैं। So, critical angle for a fiber optics क्या होता है,
साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाता है एन टू डिवाइडेड बाई एन वन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ वी टूक एंगल ऑफ इंसिडेंट टू बी आई इक्वल टू आई एम एंड थीटा डैश इक्वल टू थीटा सी देन फाइबर स्टॉफ वर्किंग एट एन जीरो साइन आई एम इक्वल टू रूट ओवर एन वन वेट अ सेकेंड एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, सो न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, वो क्या होगा एन ए इक्वल टू एन नॉट साइन आई एम जो इक्वल होगा रूट ओवर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, या फिर तुम कह सकते हो एन वन रूट ओवर टू टेन। ओके, फ्रिक्शनल चेंज क्या होगा, फ्रिक्शनल चेंज, ओके, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एन वन स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब हम चले जाते हैं पोलराइजेशन लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट के फॉर्मूले के ऊपर। ओके, तो यहां से काफी सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो पोलराइज लाइट का फंक्शन क्या है, पोलराइज्ड लाइट का एक्सप्रेशन क्या है, ई फंक्शन ऑफ जेड एंड टी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, एंड अनपोलराइज्ड लाइट के लिए ई वेक्टर साइन आ जाएगा। ओके, ई नॉट एक्स कैप प्लस वाई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के से। ओके, तो ये हो गया हमारा पोलराइज लाइट एंड अनपोलराइज लाइट का जो बेसिक फॉर्मूला वो, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं
सो हमें पता है डबल रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलता है, ई रे एंड ओ रे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा एक बेसिक सा नोट लिख लो जो एमएसक्यू में पूछा जाता है। ओके, सो ओ रे इज परपेंडिकुलर पोलराइज्ड टू प्लेन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, एंड ई रे इज पैरेलल पोलराइज्ड टू प्लेन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, तो ओ रे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंड ई रे हमारा पैरेलल होता है ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, अब हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी, ठीक है, तो ओ रे के लिए वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वी नॉट इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन नॉट। ओके, और ई रे के लिए क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय वी सी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय एन सी होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड एन नॉट का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया दोनों का वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेस एंड ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, एंड एन ई एंड एन नॉट इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर मेटेरियल फॉर ई रे एंड ओ रे। ओके, ये आ गया हमारा जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनके मीनिंग, ठीक है। अब हम नेगेटिव क्रिस्टल एंड पॉजिटिव क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। ओके, सो नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट एग्जांपल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, ईटा ई लेस देन ईटा ओ, ठीक है, एंड वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी ई ग्रेटर देन वेलोसिटी ओ, ठीक है, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट फेज ऑफ ई रे ग्रेटर देन फेज ऑफ ओ रे। ओके, एंड डेल्टा ई लेस देन डेल्टा ओ, वेयर डेल्टा इक्वल टू के ईटा ई माइनस ईटा नॉट ओ डी इक्वल टू नेगेटिव। ओके, नेगेटिव वी ई। अब पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव, जैसे कि क्वार्ट्ज, ओके, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो इसके लिए क्या होता है,
eta e greater than eta o and velocity of e less than velocity of o. Okay, next hota hai phase of e ray less than phase of o ray. Okay, and इसमें डेल क्या होता है, पॉजिटिव इटा ई माइनस इटा ओ डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल. ओके, अब हम वेव प्लेट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं. ओके, सो हाफ वेव प्लेट. ओके, तो हाफ वेव प्लेट में क्या होता है, थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट कितना होता है, फॉर्मूला डी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टू ईटा ओ माइनस ईटा. ओके, सेकेंड फॉर्मूला कोरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होता है, डेल ऑफ हाफ वेव प्लेट इक्वल टू होगा के डेल हाफ वेव प्लेट इक्वल टू होगा के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा डॉट लैम्डा बाई 2 यानी कि पाई. ओके, तो ये हो गया हमारा, वेट अ सेकेंड, तो हाफ वेव प्लेट का फॉर्मूला जो जो रहता है वो हमने देख लिया है. अब देखते हैं क्वार्टर वेव प्लेट का क्या क्या फॉर्मूला रहता है. ठीक है, तो क्वार्टर वेव प्लेट. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं, थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट. ओके, तो थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट तो वो कितना होता है, डी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 मॉड ईटा ओ माइनस ईटा ई. ओके, और दूसरा एक फॉर्मूला यहां से पूछा जाता है वो क्या है, फेज डिफरेंस. ठीक है, फेज डिफरेंस जैसे हाफ वेव प्लेट का जो फॉर्मूला होता है वही दो फॉर्मूले हैं. तो इसका फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट जिसको हम के डॉट डेल ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट जो इक्वल टू होगा के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा और डेल क्या होगा हमारा इसके लिए लैम्डा बाई 4. ठीक है, तो कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, पाई बाई 2. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट एंड जो फेज डिफरेंस होता है वो. ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से क्या पूछते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ पोलराइजेशन वेव्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सुपर पोजिशन, वेट अ सेकेंड, सुपर पोजिशन ऑफ पोलराइज्ड वेव. ठीक है, तो इसका जो पोलराइज्ड वेव का फंक्शन बनता है वो कैसा होता है, ई जेड फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम इक्वल टू ई जीरो वन कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल जेड कैप एंड ई वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इक्वल टू होगा ई जीरो टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई कैप। ओके, तो ये जो दो वेव है इसका अगर सुपरपोज हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो इसका सुपरपोजिशन फाइनल जो वेव का इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसको हम कहेंगे हमारा जेनरल इक्वेशन। ओके, तो इससे जेनरल इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, वो हो जाएगा ई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई जीरो वन स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई जीरो टू स्क्वायर माइनस टू ई जेड ई वाई डिवाइडेड बाय ई जीरो वन ई जीरो टू डॉट कॉस डेल इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल। ओके, तो ये हो जाएगा सुपर पोजिशन ऑफ पोलराइजेशन वेव। ओके, नेक्स्ट जो फिगर का कुछ सिंपल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो कुछ फॉर्मूले करवा देता हूं। ठीक है, जो फिगर यहां से क्या क्या रहता है, तो लीनियर पोलराइज्ड। ओके, लीनियर पोलराइज्ड के लिए क्या होता है, डेल हमारा होता है जीरो एंड पाई। ओके, दूसरा एलिप्टिकल पोलराइज्ड के लिए डेल होता है हमारा पाई बाई टू एंड ई जीरो वन नॉट इक्वल टू ई जीरो टू होता है। ठीक है, सर्कुलर पोलराइज्ड के लिए, सर्कुलर पोलराइज्ड इसके लिए क्या होता है, डेल हमारा होता है पाई बाई टू, लेकिन इसमें दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है, मतलब ई जीरो वन इक्वल टू ई जीरो टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिप्टिकल पोलराइज्ड, एलिप्टिकल पोलराइज्ड, तो इसमें क्या होगा, डेल का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग। ओके, तो ये कुछ पोलराइजेशन फॉर्म के लिए, लीनियर होने के लिए, इलेप्टिकल होने के लिए, सर्कुलर होने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा डेल एंड इसका एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूलेस होता है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब कुछ और हम देख लेते हैं हमारा यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले है। तो अभी तक हमने ऑप्टिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स का जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो हमने अभी तक देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं ऑसिलेशन का कुछ फॉर्मूला, ऑसिलेशन। ठीक है, ये एक ही पेपर के अंदर आता है जिसमें वेव एंड ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन एक साथ आता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने ऑप्टिक्स तो देख लिया है, तो अब ऑसिलेशन से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं हम कुछ बेसिक फॉर्मूले से, जो बच्चों वाला फॉर्मूला होता है, तुमने क्लास 11 12 में वो फॉर्मूले कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हम कहां से जानते हैं, स्प्रिंग के, स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर हमारा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके लिए क्या होगा,
del equal to minus k theta, okay. दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, वो क्या होता है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पर के बाय एम क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूले से होने वाला है, ये के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहां से और क्या जान सकते हो तुम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो क्या आ गया हमारा रूट ओवर के बाई एम, ओके। तो यहां से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया, और यहां से कुछ और फॉर्मूलेस बनता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर हम ए से डिनोट कर दें तो वो कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक एम्पलीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो फॉर्मूला आता है जिससे काफी सारे क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो क्या है एम्पलीट्यूड, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है वो क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक्स नॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, कुछ ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तुमको पहले से ही पता है, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अगर दोनों स्प्रिंग एक साथ में सीरीज में रहता है, जैसे कि मान लो ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ये है K2, ओके। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा इक्विवेलेंट 1 बाय K, इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2, ओके। और ये ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब दोनों स्प्रिंग अगर पैरेलली कनेक्ट हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, ये सब फॉर्मूले तुम्हें पहले से याद है, फिर भी थोड़ा बहुत रिकैप करवा रहा हूं। इसमें के इक्विवेलेंट क्या होगा के वन प्लस के टू, तो इसमें कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे वॉल होता है यहां पर एक और यहां पर एक, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा मास रहेगा और ये K1 अगर होगा तो ये K2, ठीक है। इसमें जो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होगा इसमें दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली ऐड करने से हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब और क्या फॉर्मूले आता है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी में क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पीई से डिनोट करते हैं, वो कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं के डॉट ई से, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हो हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ये कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी वो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टोटल एनर्जी, ठीक है। और क्या है इफेक्टिव, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका काफी सारे एग्जाम के क्वेश्चन में इसका वैल्यू है, ठीक है। क्या है इफेक्टिव, वेट अ सेकेंड, इफेक्टिव जी ऑन पेंडुलम, ठीक है। जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कंडीशन लेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन है अगर सिस्टम इन रेस्ट पे हो, ठीक है। अगर मान लो कोई सिस्टम है जिसमें एक पेंडुलम है वो रेस्ट में है, तो इसमें हमारा जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड 2 पाई इसके आगे होगा। तो ये तो फॉर्मूला सिंपल सा है, लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसा दिया गया है कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड विथ ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाय जी प्राइम, जो इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी प्लस ए। तो यहां पर जो g इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, g प्लस a, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, ओके। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जाए तब, अगर लिफ्ट नीचे जाए, लिफ्ट फॉल डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो वही कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, लिफ्ट हमारा ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाय जी प्राइम, जो इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाय जी माइनस ए, जहां पर हमारा g इफेक्टिव है g माइनस ए, ओके। तो ये दोनों कंडीशन हो गया। यहां से काफी सारे क्वेश्चन को पूछते हैं कि अगर लिफ्ट नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि वेट अ सेकंड, ये तो हो गया लिफ्ट की बात, लेकिन अगर पूछे पेंडुलम ऑन अ बस व्हिच मूव्स विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक बास में रखा गया है जिसमें जो बास है वो हमारा ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो जी इफेक्टिव है
तो इस कंडीशन में जो हमारा जी इफेक्टिव है वो हो जाएगा जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये कैसा कंडीशन है, एस ए मान लो तुम्हारा बास है, इसमें एक पेंडुलम रह रहा है, इस तरफ जी है एंड बास इस तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो इसमें स्यूडो फोर्स किस तरफ रहेगा, इस तरफ स्यूडो फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जी इफेक्टिव जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओके। तो अगर इसका मॉड निकाल लो, जी इफेक्टिव का मॉड निकाल लो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू जी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू जी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मतलब क्या है, जीरो। तो ये कितना देगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। तो वैल्यू पुट कर दो, टू पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जी एंड ए के बीच में जो एंगल था वो ही यहां पर कॉस थीटा की जगह थीटा ये है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कुछ थीटा का वैल्यू दिया गया है जो नॉट 90 डिग्री है, तो उसमें क्या करना है, सिंपली थीटा का वैल्यू बैठा देना एंड मॉड जी से तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट, तो ऑसिलेशन से यही कुछ सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और डैम ऑसिलेशन का कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं तुम लोग को, डैम से कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूले याद रख लो, डैम ऑसिलेशन, ओके। तो इसमें पूछते क्या क्या फॉर्मूले हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखवा देता हूं। इसमें पहला तो इक्वेशन पूछते हैं, इक्वेशन कैसा होता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम माइनस आर एम डिवाइडेड बाई एम डी एक्स बाई टी टी, ठीक है। तो जिसमें आर एम बाई एम क्या होता है, 2b एंड k बाई एम होता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है, x डबल प्राइम यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2bx प्राइम प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें डैम फोर्स कितना है, डैम्ड फोर्स वो है माइनस आर एम बाई एम डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है डैम फोर्स, ओके। अब डैम फोर्स का कुछ कंडीशन रहता है, कब हम उसको ओवर डैम्पिंग कहेंगे, ओवर डैम्पिंग, ठीक है। ओवर डैम्पिंग तब कहेंगे जब बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग कब कहेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओके। तो ये कब कहला जाएगा, जब बी इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा। एंड तीसरा कंडीशन है इसमें जो है अंडर डैम्पिंग,
ठीक है, तो ये दोनों तीनों कंडीशन होता है, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। तो अंडर डैम्पिंग का कंडीशन होता है अगर बी लेस देन ओमेगा नॉट हो जाए, ठीक है। तो ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, नॉन ऑसिलेटिंग, ठीक है, नॉन ऑसिलेटिंग कंडीशन, ओके। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, नेवर कम टू मीन पोजीशन, ओके। एंड अंडर डैम्पिंग में और कुछ कंडीशन होता है, वो एक एक करके लिखवा देता हूं, ठीक है। तो ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग का यही कुछ सिंपल सा होता है, लेकिन अंडर डैम्पिंग का कुछ और ज्यादा फॉर्मूलेस होता है, ठीक है। अंडर डैम्पिंग जिसमें हमारा बी लेस देन ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला बनता है, तो इसमें पहले तो अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस आयोटा ओमेगा जीरो, ठीक है। दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग, तो वो कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जहां पर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ओके। थर्ड कंडीशन, टी ग्रेटर देन टी नॉट, ओके। फोर्थ कंडीशन, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। यहां से ए नॉट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओके। फेज कांस्टेंट क्या फॉर्मूला देगा, फेज कांस्टेंट टैन डेल इक्वल टू होगा वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एक्स नॉट, ओके। एम्पलीट्यूड डीके कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड डीके कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कितना होगा, टाउ इक्वल टू वन बाय बी, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ, ये एट फॉर्मूला, ठीक है, लॉगरिथम डीके, लॉगरिथम डीके कितना होगा, ए वन डिवाइडेड बाय ए टू इक्वल टू होगा डी, ठीक है। लॉग डिक्रीमेंट, वेट यहां पे देना होगा, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो लॉग डिक्रीमेंट उसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एल एन डी, ठीक है, या फिर लैम्डा इक्वल टू एल एन डी जो इक्वल टू होगा पी कैपिटल टी, ओके। नेक्स्ट एनर्जी,
एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ई फंक्शन ऑफ टी जो इक्वल होगा ई नॉट ई टू दी पावर माइनस टू बी टी। ओके, पावर लॉस इसको डिनोट करेंगे एवरेज ऑफ पी जो इक्वल टू होगा टू बी एवरेज एनर्जी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा टू बी ई नॉट ई टू दी पावर माइनस टू बी टी। ओके, और लास्ट फॉर्मूला इसका क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर एक ही जगह पर लिखवा दिया जिससे तुम्हें फॉर्मूले नोट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होगा W बाई टू बी जो इक्वल टू है ओमेगा बाई टू बी जो इक्वल टू है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी। ओके, तो ये आ गया हमारा टोटल जो अंडर डैम्पिंग का जो जो फॉर्मूला बनता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की कुछ फॉर्मूले। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डबल डॉट प्लस टू बी एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, यहां पर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ए नॉट स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस टू बी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल वेव फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है, फोर्स्ड या ड्रिविंग फोर्स। ओके, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए मैक्स कब होगा, व्हेन ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तब हमारा जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, इसमें टेन फाइव कितना होगा, टू बी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, और यहां से बाकी कुछ फॉर्मूले बनते हैं लेकिन वहां से ज्यादातर क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। ठीक है, और यहां पर वेव्स से कुछ फॉर्मूले होता है। ठीक है, वेव्स का कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं जिससे हेल्प हो जाए एग्जाम में वेव। ओके, तो वेव में क्या क्या फॉर्मूले बनता है, यहां से पहले तो इसका इक्वेशन 1D में, ठीक है, 1D में इसका इक्वेशन क्या होता है, 1 बाई वेट अ सेकेंड 1 बाई
u square dot del 2 ape divided by del t2 equal to del 2 ape by del u2. तो ये हो गया 1D के लिए. 3D के लिए क्या होगा? 1 by u square del 2 ape divided by del t2 equal to del square 8. ठीक है, ये हो गया 1D एंड 3D के लिए इक्वेशन. ठीक है, अब वही इक्वेशन इसका क्या होता है? वेप इक्वेशन. ठीक है, वो होता है y इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल डिवाइडेड बाय a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल. ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत लिखवा दिया तुमको. वेट अ सेकंड, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है, इसको यहां पर ही क्रॉस कर लेते हैं. इसका दो कंडीशन होता है, वो दो कंडीशन लिख के करवा देता हूं. ठीक है, तो पहला कंडीशन है व्हेन वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसमें. वेट अ सेकंड, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल. ठीक है, इसको अच्छे से लिख दूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल. जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा वेव मूव करेगा. ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है? व्हेन वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होगा? वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस टेन. ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसके सामने एक माइनस साइन आएगा, जब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसके सामने प्लस साइन आ जाएगा. ठीक है, थर्ड कंडीशन है पास इक्वेशन. क्या होगा इसका? पास इक्वेशन. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई फाइव प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, फेज वेलोसिटी. फेज वेलोसिटी कितना होगा? वी पी वो होगा ओमेगा बाय के. ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहां से तुम्हें फेज वेलोसिटी मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहां से नोड्स एंटी नोड्स के कुछ फॉर्मूले बनता है. ठीक है, लेकिन वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता ही नहीं. ठीक है,
कभी कभी बार एक दो क्वेश्चन सिंपल सा आता है, तो इसका कुछ नोट का सिंपल सा कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, नोट कर लो वेलोसिटी, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, वो होता है वी इक्वल टू रूट ओवर टी डिवाइडेड बाई म्यू, ओके। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ वेव इन सॉलिड, तो सॉलिड में कितना होगा, v इक्वल टू रूट ओवर y बाई रो, जहां पर y क्या है, यंग मॉड्यूलस, और रो क्या है, डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी इन, हमने सॉलिड देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, अब देखते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी इन लिक्विड, ठीक है, वो क्या होता है, वी इक्वल टू रूट बी बाई रो, जहां पर बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस, ओके। और एक होता है वेलोसिटी इन गैस, ठीक है, इसमें क्या होता है, वी इक्वल टू रूट ओवर पी बाई रो, ठीक है। ये किस कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसो थर्मल कंडीशन में। अगर एडियाबेटिक कंडीशन हो जाए तो तब क्या होगा, रूट ओवर गामा पी डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, क्योंकि पता है एडियाबेटिक में क्या होता है हमारा, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी का फॉर्मूले आता है नोड एंटी नोड से, तो ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स का जो पोर्शन था वहां से जितना क्वेश्चन था वो इतना ही था, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।